अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, अल्लाह ताला आपके ढेरों खुशियाँ दे। आज मैं बनाने लगी हूँ सूजी की टुकड़ियाँ। मेरी रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मैं शीरा बनाने लगी हूँ। ये एक कप पानी का, ये डेढ़ कप चीनी का डालूंगी। ये चीनी का कप, एक कप, ये डेढ़ कप चीनी चली गई है। इसका शीरा बनाने लगे। ये एक तार का शीरा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देखें शीरा बन गया। इसमें दो इलायची डालेंगे खुशबू के लिए। ये सूजी अब मैं भूनने लगी हूँ। ये देखें सूजी भुन गई है। अब इसमें दो चम्मच घी डालेगा। दो चम्मच घी चला दें। ये देखिए सूजी भून गई है। अब चूल्हा बंद कर देना। ये बंद कर दिया। अब इसमें शीरा जाएगा। शीरा डाल के दो तीन मिनट सिर्फ भूनना है इसको हल्की आंच पे। ये देखें शीरा डालने वक्त देखना कि ज्यादा तो नहीं, ऐसे ऐसे ही रखनी है। ऐसे ही ये कतलियाँ अच्छी बनेंगी सूजी की। ये तैयार हो गया। दो मिनट इनको भूनना है शीरा डाल के, बस दो मिनट भूनना। ये सांचा है, इसको घी लगा के ग्रीस कर लिया। फिर इसमें ये देखें ये डालने लगे। ये सूजी चली गई है। अच्छी तरह फैलाना, सेट करना, ऐसे काट लिए, इनको फैला दिए, ऐसे ही फैलाना, ऐसे इनको प्रेस कर देना। ये देखे माशाल्लाह तैयार हो गई। ऐसे इसको कट लगानी है, फिर दो घंटे के लिए छोड़ देना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयार हुई है। अब मेरा बेटा खा के बताएगा कि कैसी बनी है। माशाल्लाह वेरी गुड। ये देखे माशाल्लाह सूजी की टुकड़ियाँ तैयार हो गई हैं। आप बनाए मेरी रेसिपी ट्राई करें। ये आसान तरीके से आपको बताइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।